टोपीबाजी और जुगाड़, देश उससे चलता है अपना, संविधान से नहीं चलता भाई, टोपीबाजी और जुगाड़ से चलता है। बकरा इदारी है, हल्ला चालू, हर साल का हल्ला, हर साल का, 2014 से हर साल का हल्ला है ये कि बकरा ईद हो रही है। भाई राजस्थान गांव में रोज बकरे कटते हैं, हमारे राजपूत भाई रोज बकरे कटते हैं, डेली कायस्थ जितते हैं श्रीवास्तव माथुर सक्सेना, रोज बकरा कटता है, कुकर में चढ़ता है बकरा, तब बकरा ईद याद नहीं आती, अभी बकरा ईद आने लगी। प्रॉब्लम मालूम है क्या है आप लोगों को, समस्या क्या है? कीचड़, बोले तो कीचड़ समस्या है, अपना कीचड़ उसमें फेंको, वो आपके ऊपर फीके, कीचड़ वहीं का वहीं। अभी जैसे मैंने कई लोगों को सुना मुसलमान समाज में, भाई इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं निकली थी, तब तो कोई संक्रमित हुआ नहीं, तब रोका नहीं, तो मतलब वो गधे पे बैठे हैं तो आप भी गधे पे बैठ जाओ। ये कोई समाज को अपना बड़प्पन नहीं दिखाना है, जैसे कोई पार्टी को अपना बड़प्पन नहीं दिखाना है कि हमसे गलती हुई थी, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप लोग ये गलती मत करना। जैसे कांग्रेस को ले लो, वो अपना जो लाखों करोड़ों का हिसाब है वो बात नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, वो बोले बीजेपी की गलती है, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस की गलती है। क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार वहीं का वहीं टिका हुआ है जैसे कीचड़ टिका हुआ है। भ्रष्टाचार आज भी हो रहा है, खूब धड़ल्ले से हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हो रहा है, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है। तो कीचड़ जो फेंकने की आपकी सभ्यता है ना, वो आपको रोकनी पड़ेगी, और वो किसी में हिम्मत है नहीं, क्योंकि कोई अपने गिरेबान में तो झांकता नहीं। मैंने एक बार ही बोला था, शीशे में खड़े होकर अपने आप से बात करे सब नेता, सब नेता, वो नार्को टेस्ट वाटर लिया है तो उनकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अपने शीशे में खड़े होकर अपने से बात करे अपने आप से कि भाई जो मैंने गलतियां करी है क्या मैं वो कबूल करने के लिए तैयार हूं? नहीं करेंगे। इसीलिए देश में कभी भी रेप की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, हजार बारी बोल चुका हूं मैं ये बात, कभी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में अगर रेप हुआ हो और आज अगर कांग्रेस को बोलो तो बोले बीजेपी को बोलो, बीजेपी को बोलो तो बोलेगी कांग्रेस के जमाने में भी हुआ था। भाई बलात्कार तो बलात्कार ही है, इसमें कांग्रेसी बलात्कार, बीजेपी बलात्कार, मुसलमान बलात्कार, हिंदू बलात्कार कहां से आ गया? तो आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या है? आप खुद हो, दिल्ली नहीं है, आप खुद सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो आज की तारीख में देश में, क्योंकि आप लोगों को कीचड़ फेंकने की आदत है एक दूसरे के ऊपर। कीचड़ वहीं का वहीं है, कीचड़ कहीं नहीं जा रहा, वो बढ़ते ही चले जा रहा है, और कीचड़ में क्या खिलता है, समझ गए ना? कीचड़ में वो खिलते चले जा रहे हैं, वो खिलते चले जाएंगे, क्योंकि अपनी गलती आप लोगों को माननी नहीं। जैसे तबलीगी जमात का हुआ था, सब लोग पीछे पड़ गए तबलीगी जमात के, कितनी यात्राएं निकले उसके बाद, जगन्नाथपुरी की यात्रा निकली, वो नहीं बोलेंगे मगर तबलीगी जमात के पीछे पड़ जाएंगे। संक्रमित हुए 550, आज हो गए 12 लाख। कीचड़ वहीं का वहीं है, कीचड़ वहीं का वहीं है, बढ़ता ही चले जा रहा है। आज 12 लाख है, कल 15 लाख हो जाएंगे, कल 20 लाख भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मार्च में बोल दिया था ये रोक नहीं पाओगे, आप लोग ज्वालाघुमी खींचे बैठे हो। आप लोगों को तो भाई, आप लोग तो कमाल के लोग हो, आप लोग तो मौत से डर नहीं लगता, आप लोगों ने पार्टियां बड़ी, आपका धर्म बड़ा, धर्म रक्षक हो आप लोग। बड़े बड़े मौलानाओं को सुनता हूं मैं, धर्म रक्षक, बड़े बड़े टीके वालों को सुनता हूं, धर्म रक्षक, हिंदू धर्म रक्षक। भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया क्या आपने? कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया क्या अल्लाह ताला से, कि अल्लाह ताला ने आपको कॉन्ट्रैक्ट लिख के दिया है कि आप मेरे धर्म रक्षक हैं? कोई श्री राम ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया? कोई ईमेल आया श्री राम का? कोई फोन आया श्री राम का कि भाई तुम मेरे रक्षक बन जाओ? कहीं कोई मुद्दा सॉल्व नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल, मुद्दे क्रिएट कर जाते हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। देखो आप, पिछले 4 महीने से एक भी पिक्चर रिलीज नहीं हुई इंडिया में, कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं फर्क पड़ा, एंटरटेनमेंट चालू है अपना, पिक्चरों की किसको जरूरत है फिल्में देखने के लिए? क्रिकेट भी नहीं है, क्रिकेट भी बंद, फिर भी एंटरटेनमेंट चालू, क्योंकि आप लोग एक दूसरे का एंटरटेनमेंट करते हो, मुद्दे सॉल्व नहीं करते, एंटरटेनमेंट है आप लोगों का, उसमें आप लोगों को ज्यादा मजा आता है। तो भाई ये लिखित में ले लो, मैंने मार्च में बोल दिया था, आप लोग ज्वालामुखी पे बैठे हो। अब कोई मुसलमान अगर संक्रमित होता है तो ये जरूरी थे ना कि वो मुसलमान को संक्रमित करेगा, कोई हिंदू संक्रमित होता है तो जरूरी है वो हिंदू को संक्रमित करेगा? वो तो सरदार को भी कर सकते हैं, हमारे भाई को, वीर जी को, पाजी को भी संक्रमित कर सकते हैं, हमारे ब्रदर को भी कर सकते हैं, ईसाई ब्रदर को, एक मुसलमान को भी कर सकते हैं, हमारे भाईजान को। वो चिंता नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को अपनी पार्टी की चिंता है कि हमारी पार्टी है, हमारी विचारधारा है, हमारी विचार गटर में पड़ी है आप लोगों की विचारधारा, गटर में।
और शमशान घाट में और कब्रिस्तान में आपकी विचारधारा जाके दफन हो जाएगी। समझ में आ गई बात? समझ जाओ भाई, बहुत टाइम हो गया, समझ जाओ। ये पार्टियां आप लोगों के मजे ले रही है और कुछ नहीं है। देखो गरीब मरेगा इसमें, पूरी दुनिया में गरीबी मर रहा है। अमेरिका में जो मर रहे हैं ना आज की तारीख में, 10 लाख लोग जो मरे, 5 लाख लोग मरे, 2 लाख मरे, 50,000 मरे, सब गरीब मरे हैं, सब गरीब। ये वो गरीब हैं जो 5-7-10 लाख रुपए महीना कमाते थे। अब आप लोग अपना देख लो भाई, 5,000, 10,000, 25,000, 50,000 रुपए वाले मरेंगे, 50 लाख रुपए वाला नहीं मरने वाला, बहुत कम परसेंटेज होने वाली है इसकी। जहां देखो सुबह उठो यहां पे अमेरिका में, फेसबुक खोलो, चार बकवास खबरें, टोटल आर पार, नेचर वांट टू नो, ना डीएनए कर रहा है, ना वो कर रहा है, ना ये कर रहा है। अरे मुद्दे की बात कर, लोग मर रहे हैं भाई, लोग मर रहे हैं, वो किसान मर रहे हैं। आप लोगों को पता भी है पिछले 1.25 साल में 48,000 बलात्कार हो चुके हैं। मैंने तो पहले ही कहा था आप लोगों को बलात्कारों की आदत हो जाएगी, हो गई बलात्कार की, कोरोना की भी आदत हो जाएगी आप लोगों को। गरीब मर रहा है ना, गरीब की तो कोई कीमत ही नहीं है देश में। कोई टाटा बिरला अंबानी अदानी थोड़ी मरने वाले हैं, ना 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 ना, आप मरेंगे भाई। आप लोग अपने मोहल्ले को सुधार नहीं सकते, आप देश सुधारने चले, जरा मोहल्लों की हालत देख लो। क्या हुआ स्वच्छ भारत का भाई? गंगा साफ कर दी कोरोना ने, अभी गंगा 6 महीने बाद देख लेना आप, वही ऐसी की तैसी कर देंगे गंगा पे। गंगा पे 35,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं आज तक, 3,000 करोड़ रुपये सैंक्शन हुआ था। याद है ना उमा भारती जी ने क्या कहा था, मैं समाधि ले लूंगी अगर गंगा साफ नहीं हुई। कहां गई समाधि? आप लोगों को ड्रामे पसंद है, एंटरटेनमेंट पसंद है, और आप लोगों को कुछ नहीं पसंद। ये मुद्दे कभी आप लोगों से सॉल्व नहीं हो सकते, 101% गारंटी है, क्योंकि भारत के अंदर भारतीय कोई नहीं रहते, भाजपा ही रहते हैं, कांग्रेस ही रहते हैं, शिवसैनिक रहते हैं, समाजवादी रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, जाट रहते हैं, राजपूत रहते हैं, है ना, ये रहते हैं आप लोग। भारतीय थोड़े रह रहे हैं भारत में, भारत के बाहर जो भारतीय है ना वो भारत के रह रहे हैं। और एक खबर और दे दूं मैं आप लोगों को, अमेरिका में सबसे ज्यादा पैसा जो पिछले 10 साल में कमाया है ना वो इमिग्रेंट इंडियंस ने कमाया है। पाकिस्तानी हमसे पीछे, ईरानियन हमसे पीछे, चाइनीज हमसे पीछे, मैक्सिकन हमसे पीछे, सारी दुनिया के मुल्क पीछे, क्योंकि हम यहां पे अमेरिका में इंडियन अमेरिकन कहलाए जाते हैं। हम मुस्लिम इंडियन अमेरिकन, हिंदू इंडियन अमेरिकन, राजपूत इंडियन अमेरिकन नहीं कहलाए जाते। हम यहां इंडियन अमेरिकन की हमारी इज्जत है। तो सबसे ज्यादा पैसा हम कमा रहे हैं और 50 बिलियन से 70 बिलियन डॉलर हम अपने देश में वापस भेजते हैं, जिससे आप लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए स्कूल खुल रहा है, आप लोगों के लिए पार्क बन रहे हैं। वो पैसा हमारा है, क्योंकि पिछले 15 साल से तो सरकार ने ऐसा कोई अजूबा ही नहीं किया है। कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई पिछले 15 साल में? कोई पुस्तकालय बनाया हो वर्ल्ड क्लास? ना बना पाए, नहीं बना पाएंगे। क्यों बनाएंगे वो लोग? आप लोग, आप लोग तो एंटरटेनमेंट में बिजी हैं भाई। देश और कोठे में थोड़ा फर्क रखो भाई, थोड़ा फर्क है। देश को कोठा मत बनाओ यार, कि वहां गए पैसे डाले, तवायफों का डांस देखा। तवायफे कौन? आवाम। और कौन कर रहा है? दिल्ली। समझ रहे हो ना बात? सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, किसी को अपनी गलती सुधारनी नहीं है अपने देश में, चाहे कोई कौम हो चाहे कोई पार्टी हो। पिछले 70 साल का ड्रामा चल रहा है। सर में दर्द नहीं होता आप लोगों को? हम सुबह सुबह सोशल मीडिया देखते हैं, एक अच्छी खबर नहीं, एक अच्छी खबर, गुड न्यूज कोई बता दो, एक भी नहीं। सारी बकवास, कोई एक दूसरे को नीचा दिखा रहा है, कोई किसी के बारे में किसी को चिंता है ही नहीं। पूरा वीडियो नहीं सुनोगे मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारी खाल के अंदर घुस जाता हूं, ठीक है ना। मैं इंडियन अमेरिकन हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, असली में तुम्हारी नहीं। तुम लोग तो मारे के कोई भारत माता की जय की बात नहीं कर रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।